मिस्टर जोसेफ, एक बहुत ही इमरजेंसी मैटर है जिसके लिए बहुत अर्जेंट डिस्कस करना है। कम टू माय केयर। इंटरपोल के माध्यम से हमें खबर मिली है हमारे देश में जो घटनाएं घट रही हैं उसके पीछे जो आदमी है वो है राका। स्कॉटलैंड में जो आतंक फैला है उसके पीछे यही है। आने वाले बुधवार को सुबह 10 बजे वो कार्गो शिप से यहाँ आ रहा है, ये इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। अगर हम इसको टारगेट बनाए तो सारा नेटवर्क हमारी पकड़ में होगा। ये बहुत ही टॉप सीक्रेट है, हम लोग इसको घेराबंदी करके पकड़ने जा रहे हैं। अगर ये खबर इसके आदमी को मिली तो वो ही इसे मौत की नींद सुला देंगे। सो बी अलर्ट। डोंट वरी सर, स्कॉटलैंड यार्ड जैसे जाबाज फुर्तीले ऑफिसर हमारे देश के पुलिस विभाग में भी है सर। राका को हम लोग जिंदा पकड़ लेंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। मकर संक्रांति, इस अवसर पर आपके लिए हीरो के नाम का प्रोग्राम है। जिस जिसको जो भी हीरो पसंद है हम सवाल पूछेंगे। आइए बॉस, टकला बॉस। नाम पूछने से ही एकदम थरथराने लगता है। नाम पूछते ही घबराने लगता है। आपको कहूँ तो मेरी जान है वो, सच वो मुझे बहुत पसंद है। ग्रेट, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। ए बेटा, और मुझे क्या पसंद है पूछो, मैं उसके बारे में बताऊंगी। कौन? पिछले हफ्ते मेरी लड़की को कुछ गुंडे जबरन उठाकर ले जाने वाले थे, उसी वक्त एक लड़का तूफान की तरह आया। कौन अरे? सुपरमैन है, स्पाइडरमैन है, पहले शक्ल तो देख। मुझे देख के तुझे डर नहीं लगता है? अरे फिर हंसता है? मेरे भाई को देख के जोकर समझता है क्या? ए, उसका आदमी है कि हमारा? नहीं भाई जी, ये यहाँ सिंगल आया है। अबे तू ब्रूस ली है या जेटली? लकी है। बेटा तू कहीं पे भी रहे सुखी रहे। मेल देख लिया?
क्या करना है तुमको ये अच्छी तरह से जानते हो। सारे रास्ते पर तुमने नाकाबंदी कर दी है। रेडी सर, नाका बचकर नहीं जा सकते हैं। गुड, सब लोग अलर्ट रहना। बाहर पुलिस है। किधर है? ध्यान से देख, पुलिस के जूते। अगर यहां से बचकर निकलना है तो जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुन। हमें उसके सब जिंदा पकड़ना है। चारों तरफ से इसको घेर लो। सामने देख, टकरा जाएगा। अपना काम निकल जाने के बाद सामने वाले का चैप्टर क्लोज कर देना मेरी पॉलिसी है। और आदमी को क्लोज करके काम को खत्म कर देना ये मेरी पॉलिसी है। ऑपरेशन सक्सेस। तो तुम लोग वहां क्या कर रहे थे सर? Yes? एक आई विटनेस मिला है सर। जल्दी लेकर आओ। आइए जनाब, अच्छी तरह से हो ना? ठीक है। अच्छा तो बताइए वहां पर क्या क्या देखा? मैंने अपनी इन दोनों आंखों से देखा था, गणपति जी खुद तैर रहे थे। तो क्या तुम पानी में थे? नहीं सर, उधर पानी में सिर्फ भगवान ही थे। इडियट, तो क्या तुम समंदर में थे? नहीं सर, मैं समंदर में ही था। एक बच्चे के जैसा गणपति जी पीठ के बल तैरते हुए निकल गए। स्टॉप इट। करेक्ट सर। देख ही मावे, तुम लोग क्या करोगे क्या नहीं मुझे नहीं पता। राका नहीं बचना चाहिए, वो इस इलाके से कहीं नहीं जाना चाहिए। यस सर। अरे क्या प्यार कर रहे हैं?
फ्री द लेफ्ट। हैं? सुपर सिंगर हैं आप। इस माना स्वामी के गाने को तो पूरा पाने रगर बहुत मानता है भाई। अरे चढ़ जा अरे रे 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 खींच मत। अरे अरे बाप रे बाप कहाँ गया भाई? मैं यहाँ हूँ। अरे बाप रे देखो कैसा चिपक कर बैठा है यार ये। ठीक है जाने दो। हाँ राजा किधर जाना है तुमको? शादी में जा रहा हूँ। शादी में? किसकी शादी में जा रहे हो? तहसीलदार साहब। अच्छा उसकी शादी में तो मैं भी जा रहा हूँ। अच्छा ऐसा है क्या? बस करो बहुत लंबा जाना है मुझे। सही ढंग से गाड़ी तो चलाने दो। चलो 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 ढंग से। अच्छा ये बता ये सब सामान ले जाकर वहाँ नौटंकी करने जा रहे हो क्या? अरे मैं तुझे क्या नौटंकी वाला दिखाई देता हूँ? अरे ये साउंड सेट है भाई कान के पर्दे फाड़ने के लिए। शादी जन्मदिन पार्टी में अपना ही सेट जाता है। इस मानव स्वामी के सेट से निकलने वाला साउंड कान फाड़ देता है। इसमें से इतना साउंड निकलता है सच में? हाँ 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 अरे बाप रे मेरी माँ। क्यों भाई अच्छा है ना? ये तूने मेरे साथ क्या किया? मैंने तुझे लिफ्ट दी और यहाँ तक लाया और तूने बदले में ये गिफ्ट दिया? ए, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ और तू उधर ऊपर क्या देख रहा है? माइक। ए बोल मत बोल मत बोल मत। सब इज्जत से ठीक तरीके से साफ करके देना। ये पहाड़ जैसा क्या है? बाप रे। ए इसीलिए तू ऊपर की तरफ देख रहा था क्या? तेरी तो अरे मुझे क्या देख रहे हो? मुझे आके बचाओ, मुझे मोटी से बचाओ। वो कौन है जी? बचाइए ना मुझे। अरे बाप रे जाने से तो ऐसा लग रहा है तुम्हारी बात सुन के मुझे जिंदा काट देगा। मेरी इज्जत टूट गई। अरे बुला के कहती हो देख रहा था सब लोग क्यों बैठ रही हो? अरे अरे भाई साहब आज सब आपके पता नहीं है। जानवी इधर आना। अरे जल्दी आ। नो नो जल्दी आ बाबा। अरे कुछ नहीं हुआ रे। गांव वालों को काट काट के बोर हो गई है ये। फॉरेन से सुपर फिगर आया है ना इसीलिए थोड़ा सा खेल खेल के यहाँ पे। ए, कॉलेज में पढ़ते समय तो अपने हाथों से मस्त सांप पकड़ती थी और अभी यहाँ छोटे से कब से खेल रही है। अरे कोई क्या हो रहा है क्या? भगवान कौन? ए जरा संभल के। हु इज दिस? वो मेरा लवर है समझो। सुपर है ना इसीलिए सोचा क्यों ना इसे अपना लवर बना लूं। ज्योति यहाँ पर कहीं नजदीक में डॉक्टर है क्या? ए, पहले शरीर में छी जान है या नहीं देखो पहले। हाँ हाँ
है अभी। बाप रे बाप, अब कहीं जाके मेरे अंदर भी जान आई। चलो चलो पहले का पेट दबाते हैं। क्या हुआ, मुंह से पानी नहीं निकल रहा है क्या? हाँ, मुंह में मुंह डाल के सांस देंगे तो इसकी सांस चलने लगेगी। तू ही दे दे सांस। नहीं यार, मैं नहीं कर सकती, अगले हफ्ते मेरी शादी है। ए जानवी, जान बचाना पाप का काम नहीं है, फॉरेन में तो ये सब होता ही है ना, तू ही कर देना। हाँ हाँ, कर कर ये कर देना। यम्मा बेचारा जान बचाने के लिए कैसे तड़प रहा है, देखो तो सही। ए चीट, नाटक मत कर, उठ। लुक एट हिम, कैसे घूर रहा है। स्टूपिड इडियट नॉनसेंस स्काउंडरल, यू तुमने मुझे समझकर क्या रखा है? आर यू क्रेजी? थैंक यू। अरे रे रे, इस पानी में से तैर के कैसे बाहर निकल पाऊंगा? हे भगवान, इस रास्ते में कहीं वो फिर से ना मिल जाए। हेलो। हाँ बोलो ना। हेलो 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 हेलो। हाँ हाँ, हेलो हेलो हेलो। सिग्नल नहीं आ रहा है। हेलो हेलो हेलो। बहुत ही बड़ा बेवकूफ लग रहा है ये तो। हेलो 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 हेलो। बेटा तुम लकी? हाँ, जोसेफ सर ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है, आओ मेरे साथ। सर लगता है शादी की तैयारियां बहुत ही जोरों से चल रही है। पहली शादी है ना बेटा घर में। क्या कर रही है? किस 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 वाला? बैठिए। अरे अरे, वो हीरो तो यहाँ भी आ पहुंचा, वो गधा। बेटा गाय का पिएगा या भैंस का? चाय? गाय का पीऊंगा। मैं तो भैंस का। गाय का एक गिलास, भैंस का एक गिलास। खाना भी खा के जाना, तुम्हारा बाथरूम रूम रेडी करवा दिया। इससे तो आज मैं मजा चखा कर ही रहूंगी, खुद को हीरो समझता है। पी के नहा के आना, देखना हमारे घर की इडली फूल जैसी खिली होती। इसे हार में डालकर सजा कर रखो ना। बेटा मैं ही हंसा हूँ। बोल के तो हंसो ना। हंसने जा रहा हूँ। चले मुझे। हाँ, पहले तो मैं तेरा ये पलंग तोड़ूंगी, अब देखना। कितना डिस्टर्बेंस है यहाँ पे, हर कोई सामने आ जाता है। अरे तूने इस महान स्वामी को पहाड़ स्वामी बना दिया है, गधे कहीं के। चलो बाद में आते हैं। ज्योति। हाँ क्या हुआ? तू जाके मेन स्विच ऑफ कर दे। वो किस लिए? सांजा मांजा आंजा कांजा चाचा चाचा। देख लिया क्या? जो बोला है वो करना। हे भगवान। हे ज्योति, जब मैं सीटी मारूंगी ना तब तू ऑन कर देना, समझे क्या? बाबा जा। यस। Thank you.
क्यों भाई स्टीम बात ले रहे थे क्या? तुम करेक्ट टाइम पे दरवाजा खोला है। भाई ये सब क्या देख रहे हो? मैं साबुन लाना भूलिया, जाओ साबुन लेकर आओ। साबुन मांग रहा है मुझसे, साबुन मांग रहा है। आज मैं देता हूँ तेरे को एक जोरदार झटका। अब देख तुझे कैसे मजा चखाती हूँ। मुझे क्या? मैं ना जरा रुको, इतनी जल्दी क्या? मैं दरवाजा तो बंद कर लूं। इतनी जल्दी है क्या? ठीक है मैं आता हूँ। तुम तो वहां पर गाली में गाली दी जा रही थी और यहाँ पर इस तरह से प्यार से बुला रही हो। कितनी घाई लगी है इस लड़की को। I just can't understand this girls। अरे बाप रे, ये तो कोई गुड्डी की आवाज लग रही है। देखो यहाँ खड़े होकर चुम्मा चाटी कर रहा है बेशरम कहीं का। अरे भाई थोड़ा सा उठोगे? कहाँ हो भाई? नीचे आओ और बेड को देखो। भाई आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? खेल खेल रहा हूँ। उठ 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 चले उठ। अच्छा भैया ठीक है। अरे बाप रे, आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे एक आदमी के साथ इतना कैसे? अरे अरे ये सब होना भी बाकी था। कितने लोग हैं? एक ही है। ये एक ही, उसको तो मैं ठिकाने लगा दूंगा। बोलो उसको जान से मारने का है या फिर उसका थोबड़ा बिगाड़ देने का है? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। जैसे ही वो मेरा नाम सुने उसकी हालत खराब हो जानी चाहिए। अरे देखो यही है। अरे तो बच्चा है। चल चलो। इस बच्चे को मारने के लिए तो मैं ही काफी हूँ। निकाल ले गाड़ी। मारने वाले हाथ ही ठंडक पहुंचाते हैं। इसी तरह से हाथ लगाती रहो, बहुत अच्छा लग रहा है। उस्ताद के बताए हुए रूट पर चलेंगे तो सब कुछ आराम से हो सकता है। अरे बाप रे, कोई तो मुझे बचाओ, इधर कोई नहीं है क्या? यहाँ पर मैं अकेले तड़प रहा हूँ, मुझे बचाओ। अरे कोई तो मुझे बचाओ। ऐसा लगता है कोई दर्द से चिल्ला रहा है। तुझे तो पता ही नहीं है, किसी ने भाड़े के आदमी भेज कर बेचारे लकी को बहुत मारा है। वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है, बहुत ज्यादा तड़प रहा है। अरे अरे अरे, अब मैंने ही उसे मारने के लिए गुंडे भिजवाए थे। अरे पापन, वो मर जाए उसके पहले उसके पास जाके माफी मांग ले। जा, मुझे मत मारो, मत मारो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। घबराइए मत। कौन है? मैं हूँ। तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें भी पता है मार खाकर तो मेरी आंखें कान कमजोर हो गए। थोड़ा मेरे बगल में आओगी क्या? अब अरे
जैसी लग रही हो। मैं जान रही हूँ जी। नहीं नहीं, मुझे पानी में डुबोकर मारने वाली पापन दुष्ट चुड़ैल। नाना, मैंने तो सिर्फ तुम्हें डराने के लिए वो गुंडे भेजे थे, मैंने मारने के लिए नहीं कहा था। उन लोगों ने तो मेरी हालत खराब कर दी। डोंट क्राई नू, मैंने तो सिर्फ मजाक किया था बस। नहीं, वो क्या है ना, मेरे बॉडी के किन किन पार्ट पर बाम लगाना है वो मैं तुम्हें समझा रहा था। इट्स ओके। यहाँ मेरे सीने पर, लेकिन दिल तो इस तरफ होता। इतनी मार खा के कहीं बदल ना गया हो, इसलिए सेफ्टी के लिए दोनों साइड में लगा दो। इस तरह से बम लगाओगी पता होता तो सीने पर ही नहीं, अपने हाथ और पैरों को भी तुड़वा लेता। ऐसे बोल रहा हूँ, मेरा सिर बहुत फटा जा रहा है। मैं इस तरह से अगर तुम्हारे पैरों पर अपना सिर रखकर सो जाओ तो मुझे आराम मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद उस्ताद जी। कैसे हो? बहुत बहुत धन्यवाद। एक घंटे तक उसने जो मेरी मालिश की उसका असर अभी तक हो रहा है मेरे ऊपर। बेचारी वो लड़की बहुत ही भोली वाली मासूम सी है, जो कुछ भी हुआ था उस पर तो अनपढ़ भी यकीन नहीं करता, मगर उसने तो यकीन कर लिया। उससे कोई कुछ भी कहे तो वो किसी पर भी यकीन कर लेती है, इतनी बड़ी बेवकूफ है वो। मेरी पार्टनर, उसके थोबड़े पे मैंने जोरदार मारा, मैंने अपने पैर से उसके पेट पे जोरदार मारा, उसके पिछाड़ी पे मैंने इतनी जोरदार लात मारी, और आखिरी में मैंने जोर से पकड़ा उसे। माफ कर दो। अच्छा, और फिर क्या हुआ? बिल्कुल नहीं, छोड़ दे रहे। बोल मारेगा नहीं तो छोड़ूंगा मैं। हाथ जोड़कर माफी मांगा तब छोड़ा मैंने उसे। अगर फिर कभी इसे मैं दिखा ना। थैंक्स अ लॉट। लेकिन आपको ये चोट कैसे लगी? ये सब तो चलता ही रहता है अपने लाइन में मैडम। एक्सक्यूज मी, 5-7 हजार रुपया हॉस्पिटल खर्चे के लिए मिलेंगे? हा? उसके लिए दे दो ना। ये लो ब्लडी। आपने जरा सेटअप में थोड़ी सी गलती कर दी। अगर टी के बदले में थोड़ा दूध और फल दे दिया होता ना। क्या तुम्हारे पीछे तुझे बच्चा है क्या? नहीं चुड़ैल, भागो यहाँ से। हेलो हेलो हेलो, अरे बोल ना भाई, गूंगा है क्या? हेलो, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? अरे कोई बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। ए, ए, कंट्रोल, इसको बचाना है रे। अच्छी, रुक जा, रुको मैं भी बताती हूँ। बीच में आना जरूरी था, भाग कर कहाँ जा रहा है? पेंट मुंह में गिरा के मुझे ही कह रही है बीच में आना जरूरी था। देखता हूँ मैं भी। डैडी, तुझे तो मैं नहीं छोडूंगी। रुक जा, ये भाग कर जाएगा ना। माँ, मेरा सिर। मैडम जी, आपका गांव आ गया है, उतरेंगी? उतरेंगी, उतरेंगी। अरे बाप रे, सक्सेस। मुझे मेरी बाल चाहिए, मुझे मेरी बाल चाहिए। चल जाए ना तू, कुएं में गिर गई है, जाकर ले ले। मुझे मेरी बाल चाहिए, मुझे मेरी बाल चाहिए, चाहिए मुझे। अरे मैं ही निकाल लूंगी, तू जा। ए, चल मैं निकालती हूँ बॉल। बड़ा आया ये और उसकी बॉल। निकाल के दो मेरी बॉल। अब चुप हो जा।
ए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है यहाँ? इसकी बॉल कुएं में चली गई है, इसीलिए ये रो रहा है। ए, इसका स्कर्ट पकड़ कर क्यों खींच रहा है? ऐसा करने से क्या तुझे तेरा बॉल मिल जाएगा? तुझे तेरा बॉल चाहिए ना, मैं देखता हूँ। रुक क्यों रहा है अंकल, निकाल रहे हैं ना? अरे यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बचाओ 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 बचाओ। अरे अरे खींचो, क्या क्या प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? अरे भैया जी आप तो गीले हो गए, लगता है बारिश में भीग गए हो। ये लो टॉवेल, आपको पोछ लो, ऊपर आ जाओ। तेरी तो और इतना बड़ा मैटर हो गया। ये तो बहुत ही छोटा सा मैटर है, इसके लिए आप इतना क्यों परेशान हो रहे हो? आइए। अरे बाहर निकालो। इसको कैसे निकालना है ये मैं आपको बताता हूँ। इसे पकड़ो। हाँ। खींचो। इधर पकड़ो, खींचो। हाँ हो रहा है। ना पकड़ो। अरे वाह, मैं तो कर पा रही हूँ। सीख गई ना? हाँ। ए, क्या चल रहा है यहाँ पर? अरे मैं तो ऊपर आ गया, अब मैं खुद ही ट्राई करती हूँ। तो फिर मैं छोड़ देता हूँ। आइए 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 बहन जी, आइए आइए आइए। ए, दूल्हे जी को उसका अनुभव है कि नहीं? नहीं नहीं जी। फिर तो आप कैसे मेरी फ्रेंड को बचाओगे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्या बात है, क्या मजाक उड़ा रहे हो? चलो जाओ यहाँ से। ए, तेरे दूल्हे को तो कुछ भी नहीं पता, मैं सिखा दूंगी ना। अरे बदमाश तू। ए, मेरे भाई को अपनी लड़की बताकर तू शादी नहीं कर रहा उससे? वही तो उस पंडित को बोल के भेजा, पूछताछ से पता चला तेरा भाई पीता है, लड़की बाज है, बार बार जेल की हवा खा चुका है, ये सब हमें जमा नहीं। ए, ये मर्द है, ये शराब के बगैर नहीं रह सकता। इन पागल लोगों से क्या बातचीत करने का? मैं लड़की उठा कर लाता हूँ अभी। हेलो मिस्टर, यहाँ से शराफत के साथ चले जा, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। क्या बुला ले अपनी पुलिस को? कोई अगर बीच में आया तो उसकी टांग तोड़ दूंगा। खड़े खड़े क्या देख रहे हो, कुछ तो करो। तुम जो भी कहोगे मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन उसे कैसे भी बचाओ। काट डालूंगा। बिल्ले 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 मुझे बचाओ भैया। हम लोग कौन है तू जानता नहीं है क्या? उधर खड़े होकर बातें मत करो, इधर आकर बचाओ मुझे। ये दोगी ना? हाँ दूंगी। अरे मारो।
पैसा भी ले लिया और जा रहा है। देखो सबकी हड्डी तोड़ रहा है। हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान, अब मुझको बचा ले, अब मुझको बचा ले। अरे भाग ले, जल्दी निकल ले यहाँ से। ये तुम्हारा भाई एक बहादुर के हाथ से मार खाया है, इस खुशी में तुम लोग नाचो। बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम हमेशा सुखी रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या तुम भी? अच्छा भाई साहब, ठीक है, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं। हाँ। क्यों बेटी, जानवी मुंबई चली गई क्या? वो तो चली गई पिताजी। धान की खेती को सही सलामत, इस फसल को कैसे बचाया जाए, इसी बारे में सोच रही होगी ना तुम? तुम चिंता मत करो, नीम की पत्ती और आम की गुठलियों को अच्छी तरह से सुखा कर फिर उसे पीस कर पाउडर बनाकर उस पाउडर को 1 लीटर पानी में 100 ग्राम की मात्रा में मिलाकर फिर 1 चम्मच लेके। हाय, सवा टिका। बस किया, बुरस किया, सीस किया, बुरस किया इसको, इसको मुटास को। ये क्या हो गया मुझे? अरे अरे अरे, मुझे कुछ तो हुआ है। अपना इलेक्ट्रॉनिक दिमाग है, चैनल चैनल वर्कआउट हो गया। हेलो। हेलो, कैसी हो लकी? याद रखा है तुमने मुझे? क्या उस दिन तुम बिना बोले चले गए, मैंने जो मांगा वो तुमने दिया ही नहीं मुझे। बढ़ाया। खैर छोड़ो ये सब, पता नहीं क्यों मैं यहाँ जब से आया हूँ तब से मुझे तुम्हारा ही ध्यान होता है। जिसको भी मैं देखता हूँ उसमें सिर्फ तुम दिखाई देती हो, टीवी पर अगर कोई चैनल लगाऊं तो उसमें तुम दिखाई देती हो, यहाँ तक कि अखबार देखता हूँ तो तुम नजर आती हो। हाँ, इन सब का क्या मतलब होता है जरा बताओ ना। आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड। बस यही पूछना था, ये मेरा नंबर है, अगर तुम्हें कुछ समझ में आ जाए तो कॉल मी। हेलो। अरे मुझे हर जगह यही क्यों दिखाई दे रहा है? तो कॉल करना उसके नंबर पे। क्यों रे, पिकअप में गाड़ी लाने के लिए इतना टाइम लग रहा है? टायर में हमारे लिए क्या? टायर डाला है, बैठो बैठो धीरे से, जल्दी चलो जल्दी चलो। कहो क्या बोलना चाहती हो? सीधे स्ट्रेट मैटर पर आता हूँ। यही है वो लड़की जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। हाँ जानवी, मेरे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी ने इस लड़की के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी से हमारा रिश्ता तय किया था। ये परिवार हमेशा से ही एक साथ रह चुके हैं, इसलिए ये रास्ता निकला था। अकॉर्डिंग टू दैट, मेरे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के परिवार में लड़का हो या लड़की हो, और इस लड़की के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के परिवार में लड़का हो या लड़की हो, शादी के बारे में पहले ही सोच रखा था। मगर विधि का विधान तो देखो, अब तक हम दोनों के परिवार में यहाँ एक लड़का, यहाँ एक लड़का, यहाँ एक लड़की और यहाँ एक लड़की पैदाइश हो रही थी, और इतने दिनों के बाद पहली बार मेरे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के घर में मैं लड़का,
और इस लड़की के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के घर में ये लड़की पैदा हो गई थी। हम दोनों की शादी होने जा रही है और ये विधि का विधान है। लगता है तुम्हें कुछ ठीक से समझ में नहीं आया। मेरे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पीना है क्या? आपने बोला कुछ और मेरे कान में कुछ अलग सुनाई पड़ा। पियोगे क्या? यही पूछा। तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है क्या? बोलिए सर। मेरे पिताजी के पिताजी के तुम्हारे पिताजी के पिताजी के पिताजी इस लड़की के पिताजी के पिताजी के पिताजी रिश्ता जोड़ दिया। ये परिवार हमेशा साथ रहे। तुम्हारे पिताजी के पिताजी के पिताजी के परिवार में एक लड़का हो या लड़की, इस लड़की के पिताजी के परिवार में लड़का हो या लड़की जो पैदा हुआ दोनों की आपस में शादी करवा देंगे। लेकिन विधि का विधान देखो, यहाँ एक लड़का यहाँ एक लड़की, यहाँ पर एक लड़का यहाँ पर एक लड़की। तुम्हारे पुश्तों की कहानी सुनकर मैं क्या करूँ बताओ? यहाँ पर एक लड़की ही पैदा हुई, तभी तुम्हारे पिताजी के पिताजी के पिताजी की आस पर तुम इस लड़की के पिताजी के पिताजी के पिताजी की आस से ये लड़की पैदा हुई और तुम दोनों शादी करने जा रहे हो। ये फैसला तुम्हारे पुरखों ने कर दिया। अब तो बोलो कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। वही तो मेरे पिताजी के पिताजी। मैं जा रहा हूँ। नहीं, माँ। अब तुम सुनो। मैं 15 साल की उम्र में बालिग हो गई थी और इस समय मैं 21 साल की हूँ। 16, 17, 18 छह साल हो गए, समझे? समझा ना। डेली मेरे आगे पीछे 5 लोग घूमते हैं और कम से कम 2 लोग लव लेटर देते हैं। 3, 4 तुम्हारे दिमाग में तो भूसा भरा है। इनमें से ना जाने कितने शरीफ लोग होंगे, लेकिन जानवी ने आज तक उन्हें घास तक नहीं डाली। जब कभी भी तुम्हारी आंखें नशे में रही, मुझे तो तुम्हारे ऊपर मर मिटने का दिल किया है। पता है, लापरवाह सा रहने वाला तुम्हारा ये स्टाइल, 4 दिनों तक बिना शेव की हुई तुम्हारी ये दाढ़ी, कॉलेज बॉय की तरह तुम्हारी ये बॉडी, तुम्हारा डांस, तुम्हारी फाइट, ये सब कुछ देखकर ही तो मैं तुम्हारे ऊपर दिलो जान से मरने लगी हूँ। स्टूपिड स्टूपिड। हमने जो प्लान बनाया था उस प्लान के मुताबिक जानवी को मुझसे प्यार हो गया है। अब मुझे आगे क्या करना है? वेरी गुड, एकदम सही रास्ते पर जा रहे हो। अपना अगला जो स्टेप है उस पर आगे बढ़ो। गो अहेड। ओके ओके। शादी करोगी मुझसे? उसके लिए मेरे पिताजी से मिलना पड़ेगा। ओके, चलते हैं उनसे मिलने। ये काम इतना इजी नहीं है। मेरे पिताजी कहाँ होंगे वही जानते हैं। वेरी बिग बिजनेसमैन। भाई जेडी। Hi, Sham. Hello, friends. How are you? Good. 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 How are you being, Jerry? Long time. No see. Any news? हमारे आदमी राका को किसने मारा है? हमारे बिजनेस से जुड़ा कोई भी आदमी इंडिया में नहीं है, बट राका अगर पुलिस के हत्थे पर चढ़ गया होता तो हम सभी लोग पुलिस के चंगुल में फंस जाते। सो राका को किसी ने मार दिया है हम लोगों के लिए अच्छा ही हुआ है, लेकिन राका को क्यों और किसने मारा है ये बात अभी तक पता नहीं चल सकी। मुझे पता है, सिर्फ 3 लोग, उनमें से एक चला गया, बाकी बचे 2 लोग, उनमें से एक को उठा लेते हैं।
तो बचता है सिर्फ एक, और उसको खत्म कर दिया तो सॉरी 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 माय फ्रेंड्स, आई एम रियली वेरी सॉरी। राका को तुमने मारा, ऐसी इंफॉर्मेशन मिली थी, मैं टेंशन में आ गया था। लेकिन तुम्हें मुझ पर शक था, इसलिए मेरे पीछे एक आदमी लगा रखा था, और इस तरह कंफर्म हो गया कि तूने नहीं मारा, मैंने भी नहीं मारा। अगर हम दोनों ने नहीं मारा तो राका को किसी और ने ही मारा है। सॉरी जेडी, तुम्हारे ऊपर शक करके ही मैंने तुम्हारे ग्रुप में आदमी रखा था। ओ कम ऑन, फ्रेंडशिप में क्या सॉरी और क्या थैंक्स, सब इट्स ओके। व्हाट यू से जेंटलमैन? करेक्ट, राका की जगह इंडिया में भरोसे का आदमी सेट करना चाहिए, और हम लोग ये सब छोड़कर आपस में क्यों लड़ रहे हैं ब्रदर? 25 सालों से चलते हुए हमारे ड्रग्स और आर्म्स के नेटवर्क को ऐसे ही कट नहीं होने देंगे। राइट, मेरे 25 साल के भरोसेमंद साथी को मैं देने जा रहा हूँ शानदार प्राइस। थैंक यू श्याम, बट यू नो समथिंग, मैं कभी भी बिना मकसद के कहीं नहीं आता। यकीन बनाए रखने के लिए ये तोहफा। रॉन्ग इंफॉर्मेशन के लिए थैंक यू माय फ्रेंड, इट्स ओके, बाय। बॉस, हम लोगों की जानकारी के बिना उसके ग्रुप में एक आदमी? ए पागल, उसने हमारे ग्रुप में अपना आदमी रखा, अगर हम लोग भी ऐसा करेंगे तो क्या उसे अच्छा लगेगा? इसलिए उसके आदमी को हमेशा के लिए ऊपर पहुंचा दिया। Hi Dad, how are you? Fine, how are you? Dad, I miss you. I miss you too. क्यों बेटा, बहुत खुश लग रही हो, कारण क्या है? बॉयफ्रेंड? Hey, cool Dad. That's your dad. Can I speak to that lucky boy? Sure, one sec. ये लो बात करो। हेलो अंकल। हेलो, कॉन्ग्रेट्स यंग मैन, कम टू म्यूनिक। Dad is always security conscious. Welcome home, darling. Dad. Hi, Dad. How are you? I'm fine. Yeah. Dad, this is Lucky. Lucky. Hi, uncle. Hi, nice name. Thanks. Dad, आप लोग बातें कीजिए, मैं बस अभी आती हूँ. Yeah, 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 yeah. Please. $100 million एम्पायर और एक ही एक मेरी लड़की है जानवी, और उसकी शादी मैं तुमसे करा दूं? नो चांस, यू मस्ट बी किडिंग। ठीक है, मेरी लड़की से बात न करने और उसकी जिंदगी से दूर जाने के लिए क्या चाहते हो? एक ब्लैंक चेक दे दूं? जे डी, तू मेरी लड़की के साथ आया इसलिए अभी तक जिंदा है, वरना मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स। गुड, रखी हुई जगह भले ही गलत हो लेकिन गड्ढा बराबर रखा है। इसको चेक करके किसने छोड़ा? सो चाकू को बेल्ट में रखकर लाया था, कोर्ट में छोड़े हो, मैं ऐसा दोबारा नहीं होने देना चाहता। क्या क्या बोल रहा था मैं? यस, गड्ढा बराबर रखा हूं, और मेरी लड़की से शादी करने की तेरी औकात क्या है? IIT खड़गपुर में एमटेक खत्म करने के बाद सीधे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैं MBA करने के लिए यहां आया हूं।
आप है सवाल पूछने वाले ज्ञानी पुरुष और मैं उसका जवाब देकर सीन की वाट लगाने वाला। अब पता चल गई ना मेरी औकात। चलो अब रात की बात पूछ रहे हो तो मैं अपनी हकीकत बता देता हूं। तुम्हारा सबसे काबिल और भरोसेमंद आदमी राका, उसे मैंने ही मारा है। इतना काफी है या कुछ और बताऊं? जानता हूं पैसों के लिए किसी को भी मार सकते हो। राका को मारने के लिए तुम्हें किसने पैसा दिया था? मैं मरने वाले का पता नहीं रखता, पता उसका रखता हूं जिसे मारा। ए, मेरे सवालों का जवाब ना देने वाला आज तक यहां से जिंदा नहीं गया। लेकिन मैं जाकर दिखाऊंगा। I like your guts. मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। अब आगे क्या प्लान है? आगे का प्लान शुरू होता है होटल चाइना गेट। शॉन, ये जगह किसी को पता नहीं है। क्यों? भाई की तरह हमेशा मेरे साथ रहने वाले मैक्स को भी पता नहीं है। ये अभी तक सिर्फ मैं ही जानता था, और आज से तुम भी इस सीक्रेट के बारे में जान गए हो। जानते हो क्यों? इस साम्राज्य के वारिस हो, मेरी इस दुनिया के सब कुछ तुम हो। I'm a bit excited. देखो इसमें ब्लू रेड डिस्क है, और इस डिस्क में जेडी की सारी काली करतूतों की इंफॉर्मेशन है। कहते हैं जिस तरह राक्षस की जान एक तोते में कैद थी, उसी तरह से उस जेडी और उसके आदमियों की जान इस डिस्क में कैद है। सेम वे हमारी जान उसके हाथों में है। आई मीन हम लोगों का पूरा रहस्य उसके पास एक सीढ़ी के अंदर है। तुम जब जेडी की लड़की से शादी कर लोगे, उसके बाद वो सीढ़ी भी तुम्हारे पास आ जाएगी, और फिर दोनों डिस्क होगी हम लोगों के पास। तो फिर हम लोग इस सारे नेटवर्क के अकेले एम्पायर होंगे। आई फील आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आज के दिन मैं बहुत खुश हूं। मैंने अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दिया है। अब मैं सुकून से सारी उम्र रेस्ट करूंगा। डोंट वरी, मैं आपको हमेशा के लिए रेस्ट दे देता हूं। No!
जाह्नवी। कहाँ हो तुम? आसमान में। कितनी देर से मैं ट्राई कर रही थी, पता है मेरी फ्रेंड के बर्थडे पर तुम साथ जाने वाले थे, भूल गए हो क्या? कब तक आओगे? ये लो, दो मिनट में पहुँच गया। कैसे आओगे? आसमान में उड़ के आओगे क्या? हेलो, I love you. I don't know how it happened. We have informed. His son is on the way. पिताजी की फ्लाइट का एक्सीडेंट हो गया। पिताजी उस दुनिया में नहीं रहे, उनकी बॉडी का कुछ भी पता नहीं चला। पापा भाई, ये सब कैसे हो गया? ये क्या हो गया भैया? क्या हो गया? अपने आप को लकी, चश्मा बड़े गौर से देख रहे हो। यह इंपॉर्टेंट ग्लास किसका, इस बात का पता चला? हमारे भाई को मारने वाला और कोई नहीं, जेडी है। जेडी को हम किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो कोई मामूली साधारण आदमी नहीं है, हमें उसे बिना जानकारी दिए इस तरह से उठाना है कि किसी को भनक भी नहीं लगे। वेल डन लकी। हमसे डील करने के लिए तुमने अपने पिताजी को मार दिया। आई एम सॉरी। श्याम मेरा बाप था ही नहीं। What are you saying? उसके जैसा फ्रॉड आदमी मेरा बाप हो ही नहीं सकता। मैं तो उसका लड़का होने के सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। That's it. That's a good one. मगर श्याम को उसका लड़का होने का यकीन कैसे दिलाया? सिंपल, उसकी ही बीबी के द्वारा उस माँ का बेटा बचपन में ही खो गया था, वो लड़का मैं ही हूँ ऐसा मैंने यकीन दिलाया। बच्चे की आस रखने वाले इंसान को इजी बेवकूफ बना दिया। सुपर। आपकी ब्लू रेड डेस्क, आपका सबसे बड़ा सीक्रेट, स्विस बैंक के लॉकर्स में रखी है। यह है उसका पिन नंबर। ग्रेट जॉब। लेट मी सी इट। नंबर करेक्ट बॉस। गुड वर्क लकी। अगला कदम? तुमको मार दूंगा ये बात कहकर मैं शाम की पूरी टीम को यहां तुम्हारी जगह पर लाकर क्लोज कर दूंगा। वाओ, या कैसे 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 कैसे? ऐसी बातों को सुनने से ज्यादा देखने में मजा आता है। सी मी इन एक्शन।
वो सीढ़ी भेज दी? भेज दिया बॉस। इसी वक्त से वो एक दूसरे को ऊपर भेजना शुरू कर देंगे। मेरे साथ डील करने के लिए तुमने अपने बाप को मार दिया। आई एम सॉरी। श्याम मेरा बाप था ही नहीं। व्हाट आर यू सेइंग? मैं तो उसका लड़का होने की सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। दैट्स इट। तुमको मार दूंगा ये बात कहकर मैं शाम की पूरी टीम को यहां तुम्हारी जगह पर लाकर क्लोज कर दूंगा। सभी लोग अंदर चलते हैं। जेडी को चारों ओर से राउंड अप करके मार डालेंगे। तुम पहले अंदर जाओ और सिग्नल दो, हम फिर आएंगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तुम जाओ। फिनिश। जीडी ने हमको सीडी भेज दी थी, हमको सब पता चल चुका है। हमारे भाई के मरने पर तूने कमला हसन की तरह रोकर क्या एक्टिंग की थी? हम लोग सहन नहीं कर पाए भाई, हमारे साथ मिलकर कितना भयंकर रोया था इसकी तो। ए, हमें तू बेवकूफ समझ रहा है? ए, कौन है बेतू? और तू ये सब क्या करने पर तुला है? तेरे और जीडी के बीच में क्या रिश्ता है? तूने शाम को क्यों मारा है बोल दे। मैं तुझे सिर्फ 10 सेकंड का टाइम देता हूं। अगर मारने का डिसाइड कर ही दिया है तो सीधा मारने का, वो छोड़कर मैं कौन हूं क्या हूं ये सब क्या लगा रखा है? ब्लडी फूल्स। अभी तक लकी का ऊपर का टिकट कट गया होगा। तुम स्विस बैंक जाकर उसके लॉकर से ब्लू रेड डिस्क लेकर आओ। ये तो बॉम्ब। ये बॉम्ब नहीं है, भगवान है। रेड कैसा? सुपर मैन। मैं तो तुम्हारे लिए स्पेशल तिरुपति से यहां पर आया हूं। तुम्हें क्या लगता है भगवान खाली मंदिर में ही रहते हैं? स्विस बैंक के लॉकर्स में भी रहते होंगे। हाँ, मैंने तुम्हारे साथ छोटा सा मजाक किया था। छोटा सा मजाक किया था तुम्हारे साथ। जीजा और साले के बीच मजाक होता है मगर दामाद के साथ नहीं। ससुर जी, ये वीडियो कवरेज एरिया है। स्माइल प्लीज। स्माइल प्लीज। एक बात कहूं, मुझे आपके बेटे से मिलने जाना है। मैंने सारी गाड़ियां ब्लास्ट कर दी है। कुछ देर के लिए आपका हेलीकॉप्टर यूज कर लेता हूं। सही समय पर अगर नहीं पहुंचा तो जानवी नाराज हो जाएगी। आप ऐसे ही पैदल चलते हुए आ जाइए। हाँ
बाय। अरे तुम चलो भाई। मेरे आदमी लकी ने ब्लू रेड डिस्क मुझे सीधे कुरियर से भेज दी है। इसके जरिए मैं तुम लोगों के साथ क्या करता हूं देखना। हेलो, मैं जोजफ। राका बोल रहा हूं। मेरा ब्लू रेड डिस्क कहाँ है? क्यों रे, आंखें क्या फाड़ रहा है? सोते हुए आदमी को इस तरह उठाकर लाओगे तो आंख नहीं फाड़ेगा तो क्या करेगा? डिस्क कहाँ है? मेरे पास नहीं है। क्यों? यू लायर, तूने किस लिए डिस्क को इंडिया भेजा है? ओहो, वो मुझे सेफ इंडिया जाना है ना, इसलिए भेज दिया। ओके, कूल कूल कूल। कितना पैसा चाहिए जिसके बदले तू मुझे वो डिस्क देगा? मिस्टर जे डी, मैं पैसे लेकर खून करने वाला आदमी हूं और तुमसे 10 पैसे लिए बगैर मैंने तुम्हारे पार्टनर श्याम, मैक्स और उनके आदमियों को क्लोज कर दिया। किस लिए? तुमने जो डील की थी अपनी लड़की के साथ मेरी शादी कराने का वादा करके, तू मेरे साथ डबल गेम खेलकर मुझे ही मारने चला था। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें अभी मार सकता हूं। नहीं मार सकता। अगर मुझे मारा तो तेरा रॉन्ग टाइम शुरू हो जाएगा। मेरे लवर्स के डैडी, अगर मैं नहीं तो तुम भी नहीं रहोगे। अगर मुझे जरा सी भी स्क्रैच आई तो याद रखना, तुम्हारी डिस्क बिना स्क्रैच के पुलिस के पास पहुंच जाएगी। हाँ, अगर तू अपनी डिस्क चाहता है तो अपनी जानवी की शादी मुझसे जल्दी से जल्दी कर दे। हमेशा वर दक्षिणा लड़की वालों के घर से दी जाती है। फॉर अ चेंज ऑफ, तुम्हारी लड़की से शादी के लिए तुम्हारी सीक्रेट ब्लू रेड डिस्क मैं, तुम्हारा दामाद तुम्हें देगा। चलो, कैसी रही? Hey, तेरे इस दुनिया में आने से पहले मैं इस दुनिया में आ चुका हूँ। तू मुझे इस तरह वीडियो कैसे दिखा रहा है? तू सीधे मुझे डिस्क देगा, इसको लेकर इंडिया चलो। तेरे देश में चलकर तेरा सौदा करके तुझसे डिस्क लेकर दिखाऊंगा मैं। क्या बात है बेटी, क्या हुआ? लकी आपका बेटा नहीं है माँ जी। आपके पति को जान से मारने के लिए उसने आपके बेटे होने का नाटक किया। वो एक खूनी है। लकी मेरा बेटा नहीं है, ये मैं जानती हूँ, और उसने मेरे पति को नहीं मारा है। उसने एक देशद्रोही को उसके के पापों का दंड दिया। लकी किस परिवार से संबंध रखता है जानती हो? उसका असली बाप कौन है मालूम है तुम्हें? Yeah.
सर। यस मेजर, वेल डन, इट वॉज द फैंटास्टिक जॉब। थैंक यू सर, आई डिड माई ड्यूटी। प्लीज, लास्ट टाइम बॉर्डर पर हथियार ले जाते हुए हमारे ट्रक को आतंकवादी ने रोककर सभी जवानों को मारा और हथियार भी ले गए। आई एम गिविंग यू द चार्ज ऑफ दिस ऑपरेशन मेजर। आई विल फिनिश ऑफ एवरीथिंग सर। गो अहेड। कल के ऑपरेशन के बारे में कुछ जरूरी बात करनी इसलिए बुलाया। बताइए। हमारे प्लान में थोड़ा सा चेंज है। क्या? मुझे एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली है। हमारे डिपार्टमेंट ने एक यंग आर्मी ऑफिसर ने कल ही चार्ज लिया है। नाम? नाम डिपार्टमेंट ने सीक्रेट रखा हुआ है। डील करना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ना नहीं कह सकते हम लोग। जरा दिमाग से सोचो, 100 करोड़, एक एक आदमी की 25 करोड़। हमने देश के लिए कितना कुछ किया है, बदले में हम लोगों को क्या मिला? 50 कहकर सिर्फ 5 दिया है, सिर्फ उतना ही। लास्ट असाइनमेंट है हमारे लिए। हमने कितने ही खून किए हैं, हम लोगों को सिर्फ एक खून करना है। लाइफ सेट, वेल सेट पार्टनर। धीरे से खींचो ना। अरे बाप रे बाप, देश की सेवा करने वाला घरवाली की सेवा कर रहा। ब्रदर, हाँ, घर में ये सब चलता ही रहता है, बैठिए। थैंक यू। लकी, चॉकलेट ये आप ही खाइए, मुझे तो सिर्फ गन ही चाहिए। हाँ, माँ का लड़का होता तो सोया होता, ये तो अपने पिता का लड़का है। मेजर श्रवण का बेटा है, दिमाग भी इनके जैसा। गन मैं तुम्हें बाद में लाके दूंगा। ब्रदर, एक केस के सिलसिले में मुझे मलेशिया जाना पड़ रहा है, वहाँ से लौटने में 1 महीना लगेगा। किस केस के सिलसिले में? ए, इस तरह मजाक मत करो यार, ये इंटरपोल से जुड़ा केस है। लंच रेडी है, आप लोग आ जाइए। आओ भाई, पहले इससे तो निपट ले। ओके। आ जाओ, जल्दी करो, जल्दी करो, उतारो, जल्दी लेकर चलो, जल्दी करो, कम उम्र का है और गरम खून है। बोलो भारत माता की।
हम लोगों के रेजिमेंट को हथियार को बॉर्डर की तरफ ले जाते समय धड़ाक से एक आदमी बंदूक लेकर आ गया। वो सारे हथियार जब्त करना चाहता था। हम लोगों ने हथियार के साथ उसे सरेंडर करने के लिए बोला, मगर उसने गोलियां चलानी शुरू कर दी। हमारे कुछ ऑफिसर शहीद हो गए। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। जवाब में हमने भी गोलियां चला दी। वी जस्ट डिड आवर ड्यूटी सर। उसके बाद हमें पता चला कि वो इंडियन आर्मी के सीनियर ऑफिसर मेजर शवन थे। इट इज द ब्लैक डे सर। जहां हम पैदा हुए हैं उसी देश में ऐसा देशद्रोही पैदा हुआ है, ये सोच के हम अपमानित महसूस करते हैं। इन सभी के दिए बयानों के बाद सच्चाई का पता चला है। कमांडर ऑफिसर मेजर शर्मन अपने ही देश के साथ गद्दारी कर रहे थे, इसी वजह से विद्रोह के लिए जवानों ने उनसे जंग करके उन्हें मौत की घाट उतार दिया है। इसी शक के आधार पर सरकार ने इस देशद्रोही को दिए हुए मेडल और सम्मान वापस लेती है। वो देशद्रोही नहीं है, वो देशद्रोही नहीं है, वो देशद्रोही नहीं है, वो देशद्रोही नहीं है। इस पवित्र धरती पर एक देशद्रोही को जलाने नहीं देंगे। उठाकर फेंको ना इस बात को। आप लोग मेरे साथ चलिए, कहीं और जाकर सुकून से रहेंगे। आपके बिना ये कैसे रहेगा? अगर लकी यहां रहा तो एक देशद्रोही का नाम देकर गांव वाले इसे मार डालेंगे। इसे आप अपने साथ ले जाइए। माँ मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। रोना नहीं बेटा, मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ देखो, मैं नहीं जाऊंगा। माँ की बात सुनो, रो मत बेटा, रो मत। लकी, माँ की बात सुनोगे ना? रोना नहीं बेटा। Mom! 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 Mom!
सॉरी माँ जी, मैंने लकी को गलत समझा। अभी तो तुम मेरे बच्चे को समझ ही गई होगी। लेकिन माँ जी, अब हम क्या करेंगे? मेरे पापा तो लकी को अपनी गन पॉइंट पर कहीं लेकर जा रहे हैं। तुम्हारे पिता मेरे लड़के को लेकर नहीं गए हैं बेटी, बल्कि मेरा लड़का तुम्हारे पिता को लेकर गया है। उसके हर एक एक कदम पर एक एक मतलब छुपा है। उसने जो कुछ भी सोचा है वो हर हाल में जरूर पूरा होगा। फैंटास्टिक जॉब पार्टनर, उसकी कहानी खत्म करके डिस्क लेकर आ जाओ। ए, सर, उन दोनों को निपटा के डिस्क लेकर आ जाओ। मुझे अब तेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं किया। ऐसा मत बोलिए माँ, अब तक मैं तुम्हारे लिए तो जी रहा हूँ। तुम्हारा जो अपमान हुआ उसका बदला आज मैं लेने वाला हूँ। माँ आइए और देखिए अपने साथ मैं किसको लाया हूँ। Hmm.
इसको इस गांव से लात मार के भगाना है। इतना काफी नहीं है, इसका मुंह किसी को दिखाने लायक ना रहा, ऐसा करके छोड़ना, तभी हम सबको संतुष्टि मिलेगी। ये मेरी माँ है। गड्ढा खोल दो रे। इसके बाप को भी मैंने ही मारा था और इसे भी मार के मैं ही दफनाऊंगा आज।
चलो चलो चल तो मुझे लखी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, इतने बोलो मुझे छोड़ दे, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मेरे पिताजी के सच्चाई के बारे में बोल। बोलता हूं लकी, मैं बोलता हूं, मैं बोलता हूं। इसके पिताजी मेजर श्रवण एक सच्चे ईमानदार आर्मी ऑफिसर थे। हम सभी ने मिलकर उन्हें धोखे से मार दिया और उन्हें देशद्रोही साबित कर दिया। रहम खाकर मुझे माफ कर दो, माफ कर दो लकी। मैं सच बोलूंगा तो तुम मुझे छोड़ दोगे? तुमने कहा था मुझे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। छोड़ता हूं लकी।